जैसे जैसे फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, इससे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा पद्मावती को दिए गए समर्थन तथा उनके राज्य में इसे टैक्स फ्री करने की बात का व्यापक विरोध हो रहा है। शामली में बनर्जी का पुतला फूंका गया, साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने ममता की जुबान और कान काटने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ की नकद राशि इनाम देने की विवादास्पद बात भी कह डाली। इस व्यापक विरोध के कारण दिल्ली सहारनपुर रोड पर तनाव का माहौल बना रहा। हमारे सहयोगी नासिर अली की देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि इसे टैक्स फ्री करते हुए पश्चिम बंगाल में चलाया जाएगा, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ऐसी औरत है जैसे कभी के समय में ताड़का हुई थी और भगवान ने उसका वध किया था, ये ऐसी एक औरत है जो हमेशा देशद्रोह की बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी औरत की जीभ काट लेनी चाहिए, इसके कान काटने चाहिए, इसकी नाक काटनी चाहिए। जो भी इस काम को करेगा हम उसे 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान करते हैं। और अगर ऐसा करने का हमें अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। ऐसी औरत को हम बिल्कुल कतई विरोध करते हैं। इसका पुतला ही नहीं जलाया गया है, इस फिल्म इंडस्ट्री का आप देखना, अगर ये रिलीज करते हैं तो पता नहीं यहाँ पर क्या क्या जलेगा और यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। अब मामला ये है जी, इतिहास के जो हमारा जो इतिहास है उसे जो है तोड़ मरोड़ के नष्ट कर दिया बिल्कुल, क्योंकि और जाति का कोई इतना समाज नहीं है जितना कि हिंदू का ही समाज है, इतिहास है हमारे इतिहास के साथ ही तोड़ मरोड़ की जाती है। और हर फिल्मों में जितना भी है ठाकुरों के रोल, उनके रोल दे दे के ही हमारी जाति पर प्रहार किया जा रहा। इसलिए पद्मावती ने भी हमारे इतिहास के ऊपर प्रहार किया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी का उसका दिमाग उसके साथ है जी, क्योंकि उसका इतिहास है या नहीं है उसको तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अगर राजपूत के जाति के उसको प्रहार किया जाएगा तो राजपूत तो उसका विरोध करेगा। मतलब विरोध किस तरीके से करोगे? विरोध जो है फिल्म इंडस्ट्री को, हर हमारे विधायक हो हम हो, हर तरीके से उसका विरोध करेंगे, जो पुतला फूंकेंगे या जिला अधिकारी के पास जाएंगे, आग लगेगी, जो भी होगा हम उसका पूरा पूर्ण समर्थन विरोध करेंगे। सुरेश राणा को तो हम बहुत दिन से जानते हैं, वैसे हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका समाज के साथ ही राजपूत जाति के साथ ही पूर्ण समर्थन है, वे पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। इस पर कोई बात हुई आपकी? हाँ जी हुई थी, मेरे परसों ही बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम इसका जो है ऊपर तक बात पहुँचाई है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मामला तो हमारा पता नहीं जी, देखो देसी हो रहा है। एक बात कहना चाहते हैं कि जो ये फिल्म जो चल रही है, ये तो पहली बात हमारी योगी जी ने भी कह दिया कि यहाँ तो चलने की नहीं किसी भी कीमत पे। अब तक तो हम बात कर रहे हैं विधायक से, अपने जो हमारे बड़े हैं जी भी अभी हमारे बुजुर्ग गए, उन्होंने कह दिया कि हम बातचीत चला रहे, अगर नहीं चला हुआ युवा तो फिर थमने वाला है नहीं। ये तो बात सच्ची है, ये तो मतलब फूका फूका क्या, अब तक आप फूकते फिर।